लॉकडाउन के कारण 68 दिन से थमा यात्री ट्रेन का सफर सोमवार से शुरू हो रहा है। रेलवे नए नियम के साथ 200 से अधिक ट्रेनों का संचालन शुरू कर रही है। इनमें हरदोई में स्टॉपेज वाली लखनऊ दिल्ली मेल भी शामिल है। ट्रेन नए नंबर के साथ बतौर स्पेशल ट्रेन ट्रैक पर दौड़ेगी। जिनका रिजर्वेशन कंफर्म है उन्हें यात्रा के लिए ट्रेन के आने से 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जांच के बाद उन्हें ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य दुरुस्त मिलने पर रेलकर्मी द्वारा यात्री को कुछ संभावित स्थान तक पहुँचाया जाएगा। यात्री को मास्क लगाकर एहतियात के तौर पर सैनिटाइजर साथ लाना होगा। CMI अंबुज मिश्रा ने बताया कि लखनऊ मेल सोमवार रात निर्धारित समय 11:30 बजे हरदोई स्टेशन पर पहुंचेगी। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए ज़रूरी तैयारियां की गई हैं। एहतियात के तौर पर स्टेशन पर एम्बुलेंस तैनात रहेगी। हमारे हरदोई रेलवे स्टेशन पर आज काफ़ी दिनों के बाद लॉकडाउन के बाद में पहली ट्रेन आएगी रात्रि 11:37 पर। ये स्पेशल करके चलाई जा रही है 022:29। ये नई दिल्ली जाएगी, लखनऊ से चल के नई दिल्ली, और इस पर यहाँ आपके हरदोई के जितने भी लोग जाने वाले हैं ये लोग इसमें बैठाए जाएंगे और इनका सबका थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी, नाम पता नोट किया जाएगा और जो भी प्रशासन के निर्देश हैं वो सारी तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई हैं। आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर निकास द्वार अलग बना दिया गया है, प्रवेश द्वार अलग बना दिया गया है। जो ज़रूरी सूचनाएं हैं यात्रियों को जो यात्रा के दौरान पालन करनी है उनके भी बोर्ड लगा दिए गए हैं और थर्मल स्कैनिंग के लिए मशीनें भी आ गई हैं। जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए फेस शील्ड भी आ गई हैं, दस्ताने भी उपलब्ध हैं और सैनिटाइजर भी उपलब्ध है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। यात्रियों से अनुरोध है कि वो भी संक्रमण से बचने के लिए अपना पूरा ध्यान रख के आएँ, मास्क लगा के आएँ, ग्लव्स भी ले लें और सैनिटाइजर साथ रखें। जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका लगातार पालन करें।